पहले जब लोगों की वोटों को ठगने का ये राजनीतिक प्रयोग किया गया था, लोगों की वोट ठगने का ये बंधन किया गया था, तो 5 साल पहले भी मैंने कहा था कि संसदीय चुनाव से 1 महीना पहले ये तोड़ देंगे और फिर अलग अलग लड़ेंगे ताकि वोट कटुआ पार्टी के तौर पर कई राजनीतिक दलों का इस्तेमाल किया जा सके। बिल्कुल वही स्क्रिप्ट और राजनीतिक ड्रामा सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी के पास ना 2019 में बहुमत था ना आज बहुमत है, और जिस प्रकार से लॉटरियां निकालकर वो अपने ही चीफ मिनिस्टर को, मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल खट्टर को अपमानित करके उन्होंने हटाया है, ये दर्शाता है कि भाजपा में कार्यकर्ता ही नहीं बड़े से बड़े नेता की कोई कीमत नहीं। याद करिए, एक दिन पहले प्रधानमंत्री जी गुड़गांव आए, परसों शाम को खट्टर जी से गलबैया की, ये भी कहा कि वो मोटरसाइकिल पर इकट्ठे रोहतक से गुड़गांव जाते थे, गाना गाया करते थे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे पर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। खट्टर साहब ने भी कह दिया हम भी कभी नहीं छोड़ेंगे। और क्या हुआ, अगले दिन ही पर लॉटरी की पर्ची की तरह उनको दूध से मक्खी की तरह हटा दिया। उनकी मर्जी है, पर किसी व्यक्ति को ऐसे अपमानित करके निकालना क्या उचित है? राजनीति के परिदृश्य में मैं ये आपके विवेक और आपके दर्शकों के विवेक पर छोड़ता हूँ। सच्चाई ये है कि भाजपा 9.5 साल के अपने पाप खट्टर जी को और दुष्यंत चौटाला को हटाकर ढकना चाहती है, पर 9.5 साल के 10 साल के उनके पाप का जवाब उन्हें देना पड़ेगा। Subscribe our channel for latest news and updates, and don't forget to press bell icon for latest notifications.